बाले बेटे मिलकर हमको मारे लगा। मैंने कौन सी बोला था? बोला हमको कि जी की हमको बाबूजी जी से झगड़ा चाहता था सर, तो हमको बाबूजी के बाले बेटे मिलकर जी हमको बाबूजी के लेते थे जी घर के सर बेमानी कर दिया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में नए डीजीपी आरएस भट्टी ने प्रभार ग्रहण करते हुए पुलिस वालों को यह संदेश दिया था कि आप अपराधियों को दौड़ाइए वरना अपराधी आपको दौड़ाना शुरू कर देंगे। और यह कथन आज नालंदा में ही देखने को मिला, जहां बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस परेशान दिखी और बदमाश फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत नीरपुर गांव में आज मामूली विवाद को लेकर गोतिया के द्वारा दो सहोदर भाई को गोली मार दिया गया था। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गया और आसानी से बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज कराकर यहां से भी फरार हो गया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए खाक छानते रहे। दरअसल नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत नीरपुर गांव में गोतिया ने ही दो सहोदर भाइयों को गोली मार दिया, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी और उसकी मां की बेरहमी से पिटाई कर दिया। गोली से जख्मी हुआ दोनों भाई को आनन फानन में इलाज के लिए बिम्स हॉस्पिटल पावापुरी लाया गया, जहां से चिकित्सकों के द्वारा बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल के परिजन ने बताया कि सोमवार की सुबह नीरपुर गांव निवासी योगेंद्र प्रसाद अपने दो बेटे जयचंद वर्मा और उदय वर्मा के साथ भजन गा रहे थे। उसी दौरान गोतिया के रजनीकांत उर्फ रंजन कुमार आया और पूर्व के विवाद को लेकर योगेंद्र वर्मा के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर रजनीकांत वर्मा उर्फ रंजन कुमार देख लेने की बात कहकर चला गया। थोड़ी देर के बाद वह वापस आकर तीन गोलियां चलाई, जिसमें दो गोली उदय वर्मा और एक गोली जयचंद वर्मा को लगी। गोली मारने के बाद रंजन कुमार को पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई कर दिया, जिससे वो जख्मी हालात में गांव से फरार हो गया और इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचा और आसानी से बिहार शरीफ सदर अस्पताल में अपना इलाज कराकर वह फरार हो गया। लेकिन इसकी भनक पुलिस को नहीं लगी। जैसे ही गोली मारने के आरोपी रजनीकांत वर्मा उर्फ रंजन कुमार के इलाज कराने की खबर मीडिया में प्रकाशित हुई, तत्पश्चात नूरसराय थाना की पुलिस बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक रजनीकांत वर्मा इलाज कराकर सदर अस्पताल से फरार हो गया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर घटना के बाद नूरसराय थाना की पुलिस नीरपुर गांव पहुंची थी, बावजूद घटना का आरोपी रजनीकांत वर्मा उर्फ रंजन जख्मी हालात में गांव से फरार कैसे हो गया और गांव से फरार होने के बाद वह बिहार शरीफ सदर अस्पताल में आसानी से इलाज कराया और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगी। आखिर कहीं ना कहीं पुलिस का खुफिया तंत्र भी कमजोर नजर आया और बिहार के डीजीपी का कथन भी नालंदा में सत्य देखने को मिला, जो उन्होंने प्रभार ग्रहण करने के दौरान कही थी। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।